हाय दोस्तों, मैं गोविंद रूपी ने मैं आज आप लोगों को थर्ड क्लास बोल्टिंग ओवर स्प्लिट करके दिखाऊंगा। कारण से पहले बोल्टिंग का जानकारी, बोल्टिंग का ऊंचाई है जमीन से लेकर यहाँ तक है 107 सेंटीमीटर है, लंबाई है 5 फीट है, ऊपर से चौड़ाई है 1.5 फीट है, नीचे से चौड़ाई है 3 फीट है। तो आइए हम अभी थर्ड क्लास ओवर स्प्लिट शुरू करते हैं। दौड़ के आएगा इसी पोजिशन में बोल्टिंग से 1 फीट दूर से जाम मार के बोल्टिंग का लास्ट किनारे में दोनों हाथ से लग गया और पैर मिलाते हुए स्प्लिट करके दोनों पैरों से लैंडिंग। बोल्टिंग जाम करने के लिए ध्यान में रखने वाला बात है, सबसे पहले गुड रनिंग, गुड टेकअप, गुड जंपिंग, गुड लैंडिंग। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, बॉडी माइंड कंडीशन का प्रशिक्षण है। बोल्टिंग जाम करने के लिए जंपिंग पावर बॉडी होना चाहिए, तो इसलिए इस तरीके से एक्सरसाइज को हमने प्रैक्टिस करना है। दोनों पैर मिलाते हुए जंपिंग का प्रैक्टिस करना है। बोल्टिंग जाम करने के लिए कोर्डिसेप मसल्स में भी पावर होना चाहिए, तो इस तरीके से हमने कोर्डिसेप मसल्स के लिए एक्सरसाइज करना है। बेसिक इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। दौड़ के आना है बोल्टिंग का फ्रंट का किनारा को पकड़ के बोल्टिंग के ऊपर माउंट करके एक कदम आगे लेते हुए दोनों पैरों से लैंडिंग करना है इस तरीके से। इंटरमीडिएट इस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैट के ऊपर एक बार प्रैक्टिस करना है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद इस तरीके से बोल्टिंग के ऊपर प्रैक्टिस करना है। देखा होगा आपने पैर मिला हुआ, यदि पंजा खींचा हुआ, इस तरीके से चेक दिखाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस तरीके से पैरों को हवा में फेंकना है। फाइनल जंप इस तरीके से दौड़ के आएगा, बोल्टिंग से 1 फीट के पीछे से जंप मारते हुए लास्ट के किनारे पकड़ के चेक देखेगा, दोनों पैर मिलाते हुए फिर स्प्लिट करेगा दोनों पैरों से लैंडिंग।